Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. नाजरीन, कोरोना वायरस का हमला इस बार इंतहाई सख्त हो गया है. बहुत सारी अमवात और बहुत सारे लोगों की बीमारियां और लोगों की उलझने एक हैरानगी का ज़रिया और सबब है. दोस्तों, ऐसे वक्त में हर इंसान को एहतियात का दामन थामना चाहिए. अगर आपको तेज़ बुखार, खांसी, शदीद जिस्म में दर्द, मुंह का कड़वापन और सूंघने, जायके की हिस ख़त्म होने जैसी अलामत अगर अपने अंदर महसूस करते हैं तो खुदारा आप अपनी हिफाजत करें, ठंडे पानी से परहेज़ करें, बर्फ़ का इस्तेमाल मुकम्मल तौर पर बंद कर दें, जोशानदा पिए, सादा गर्म पानी की भाप लें, अंडे खाए, अंजीर खाए, बादाम खाए, लौंग, इलायची, दालचीनी का कहवा पिए, मटन सूप पिए, काली मिर्च, अदरक, हल्दी डालकर पिए, देसी मुर्ग का सूप पिए, काली मिर्च, अदरक, हल्दी डालकर पिए, कैल्शियम किसी भी सूरत में लाजमी लें, पानी का इस्तेमाल ज़्यादा करें. दोस्तों, वबाई अमराज के वक्त में नबवी तालीम हमको यह है कि हम अपने घरों पर रहें. वबा के अय्याम में एक जगह से दूसरी जगह जाने की ममानियत भी आई है, उसको बेहतर नहीं समझा है. इसलिए जो हजरात जहाँ पर हैं, चाहे वहाँ पर वबा सख्त हो या ना हो, अपनी जगह पर ही रहे, एक जगह से दूसरी जगह ना जाए. और पोस्ट के अंदर बहुत अच्छी तरतीब बताई गई है इस वबा से बचने की, उस पर अमल करें, अपनी नींद को मुकम्मल करें. और हमारे चैनल हुकामा के आसान नुस्खे को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए. हर वीडियो को देखें, लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि इंसानियत का फ़ायदा हो और इंसान आफत समाई और आफत दुनियावी से बच सके. हमें अपनी दुआओं में याद रखें, रमज़ान के महीने की कदर करें. चलते, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू.